अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्ला। एक मुसाफिर अपनी नहायत ही खूबसूरत बीवी को लेकर कूफा पहुंचा। उस औरत पर एक कूफी आशिक हो गया और वो औरत भी उस कूफी शख्स की तरफ रागिब होने लगी। बाद अज़ां उस कूफी ने दावा किया कि ये मेरी बीवी है, और बीवी भी अपने शोहर की मुखालफत करने लगी। अब शोहर इस बात से आजिज़ हुआ कि अपना निकाह उस औरत से साबित करेगा। ये मसला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू पेश हुआ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, काजी इब्ने अबी लैला और कुछ उल्मा ने सफ़र किया और शोहर के मकान पर गए और चंद औरतों को वहाँ जाने के लिए फरमाया। उन सबको देखकर उसका कुत्ता भौंकने लगा। उसके बाद उस औरत से जाने को कहा। उसको देखकर कुत्ता दुम हिलाता हुआ उसके आगे पीछे चलने लगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हक वाज़ेह हो गया। इस सूरत हाल को देखकर उस औरत ने भी निकाह का इकरार कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।